हर हर महादेव। जिला पालघर महाराष्ट्र से आकाश मिश्रा जी हैं, जो कानकुब्ज ब्राह्मण हैं और ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। उनका प्रश्न है कि गुरुजी, श्री रामचरितमानस पढ़ने की कोई विशेष विधि है या समय है तो बताने की कृपा करें। हम जो है संध्या वंदन इत्यादि नित्य प्रति करते हैं और हमारी श्री रामचरितमानस पढ़ने में अभिरुचि है और मैं इसकी विधि जानना चाहता हूँ। सुंदरकांड का भी पाठ में मंगलवार को नित्य प्रति करता हूँ, प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है मिश्र जी कि आप जो है संध्या वंदन करते हैं। ब्राह्मणों के लिए संध्या परमोपयोगी है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, श्री रामचरितमानस में धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज कहते थे कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त वेदों उपनिषदों, यहाँ तक कहा जाए कि सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका सार लिखा है, जिसके पढ़ने मात्र से सभी शास्त्रों में प्रवेश हो जाता है ना। तुलसीदास जी ने बाद में श्री रामचरितमानस की आरती में लिखा भी है, अष्टादश पुराण छह शास्त्र सब ग्रंथ निको रस, सबका रस इसमें जो है समावेश है। पर विधि तो विधि है, हर चीज की विधि होती है, किसी की बड़ी विधि तो किसी की छोटी विधि। मुख्य रूप से श्री रामचरितमानस का अनुष्ठान भी होता है तो वहां वो पूरी विधि का पालन अवश्यम भावी है, अवश्य ही करना चाहिए। जैसे काम्य अनुष्ठान है, किसी विशेष कामना से कोई अनुष्ठान कर रहा है तो वहाँ श्री राम जी का पूजन, सीताराम जी का पूजन, पूरे परिकर का पूजन तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। हर रामचरितमानस में प्रारंभ में वो विधि लिखी रहती है, अंगन्यास और करन्यास, राम जी का ध्यान, ये सब रहता है। और इसके बाद में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अखंड रूप से जो पाठ करते हैं तो वो अखंड पाठ जो है पूर्वांड में करना चाहिए, प्रातः काल लगभग करना चाहिए, यानी कि यूँ समझिए प्रथम प्रहर में हो जाए, 9-10 बजे से पहले हो जाए प्रारंभ, शुरू 9 बजे से पहले हो जाए तो ठीक है, यही है विधि। क्योंकि पूर्वांडम वही देवाना, पूर्वांड जो है देवताओं के लिए कहा गया है, इसलिए पूर्वांड में प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो खूब मौज से इसका पाठ करें तो तब भी लगभग 24 घंटे में, एक अहोरात्र में ये पूर्ण हो जाता है। इसमें जो संपुट लगाया जाता है, जैसे हर दोहे के बाद एक चौपाई को, जो कामना पर को या जैसे भी हो, आप नहीं भी कामना चाहते हो, सब है ना, सबका कल्याण चाहते हो, जो भी चौपाई रखें तो उसको प्रायः लोग दोहे के बाद ही बोलते हैं। दोहा आने से पहले भी उसका बोला जाए और फिर दोहा बोला जाए और फिर वो संपुट वाली चौपाई फिर दोबारा बोली जाए, ये नियम है। कोई भी दोहा आने से पहले लगभग 8 चौपाई या वो 8 पंक्ति और 4 चौपाई के बाद दोहा आता है। कहीं कहीं ये जो है आगे पीछे भी हो गया, ज़्यादा भी कम भी हो गए, सामान्य रूप से यही है कि 4 चौपाई यानी 8 पंक्ति के बाद दोहा है। तो 8 पंक्तियों को पढ़ने के बाद फिर उस पंक्ति को दोहराया जाए, है ना, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी जबहु सु दशरथ अजीर बिहारी, ये आपने कह दिया, फिर आपने वो दोहा पढ़ा कि प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसें राम सर चापधर, ये जो है सोरठा है। तो जो भी दोहा या सोरठा है उसको पढ़ा, उसके बाद फिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, इस तरीके से पढ़ करके और फिर आगे की चौपाइयों को पढ़ा जाना चाहिए, अर्थ चिंतन पूर्वक धीरे धीरे, बीच में वो यति रहती है वहाँ रुक करके और फिर उसको जो है पाठ किया जाए। नित्य पाठ करना चाहते हैं तो नित्य पाठ का समय यही है कि अपना नित्य संध्या वंदन पूजन जो नित्य करते हैं उसको करने के बाद फिर आप जो है इसका पाठ करें।
अथवा मध्यान्ह में कहने प्रातः काल आपका इतना कृत्य है कि पूरा जो है आप पूजन पाठ में लगे रहते हैं, तो मध्यान्ह में वो ब्रह्मयज्ञ को मान करके मध्यान्ह में कर सकते हैं। और मध्यान्ह में भी नहीं तो एक तीसरा समय भी है इसका कि मध्यान्ह भोजन के बाद स्वल्प विश्राम करने के बाद शास्त्र चिंतन करने का शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उस समय आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी है, इसकी चर्चा कथा इत्यादि करना हो, इसको पढ़ करके अर्थ सहित पढ़ना या समझना हो, तो आप जो मध्यान्ह भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम करके उस समय करें। और यदि इसका केवल पाठ रूप में, अनुष्ठान रूप में पाठ करना हो, तो अपना संध्या वंदन इत्यादि करके और फिर इसको जितनी देर आपको पढ़ना है उस समय इसको पढ़ें। अखंड पाठ प्रारंभ करना है तो प्रातः से लेकर के पुनः दूसरे प्रातः तक ये अखंड पाठ हो जाता है, ये इसकी सामान्य विधि है। और अगर नित्य प्रति कोई पाठ कर रहे हैं, अगर अनुष्ठानात्मक है तो नित्य प्रति ही ये अंगन्यास करन्यास भगवान का ध्यान इत्यादि सब होगा। और सामान्य रूप से यदि आप पाठ करना चाहते हैं तो सीताराम जी का और हनुमान जी का ध्यान करके नमस्कार करके प्रणाम करके और फिर जो है कोई भी मंगल चौपाई बोल करके मंगलाचरण करके फिर आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं। ये है रामचरितमानस में सभी का अधिकार है, चारों वर्णों का, स्त्रियों का, सब अपने जो है पाठ कर सकते हैं। लेकिन अनुष्ठान विधि से अगर करना है या कहीं जो है किसी कोई व्यक्ति अपने किसी कामना पर जो है रामचरितमानस का अखंड पाठ करवा रहे हैं तो तब भी उन्हें ब्राह्मणों के द्वारा ही करवाना चाहिए या स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए या किसी के द्वारा कराना चाहिए। अब प्रायः ऐसा होता है कि किसी के यहाँ अखंड रामायण पाठ हो रहा है तो अगर वो वैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए कराना चाहते हैं कि वो जितना हम करें या कोई भी करे तो बात अलग है, लेकिन यदि काम्य अनुष्ठान है, किसी कामना से आपने बोला था या किसी कामना के लिए आप कर रहे हैं, गृहस्थों को प्रायः कामना रहती ही है, तो वो अनुष्ठान स्वयं पढ़ करके तो वो भी संकल्प में वो बोलना चाहिए, स्वयं ब्राह्मण द्वारा च करिष्ये, मैं स्वयं करूँगा अखंड पाठ और ब्राह्मणों के द्वारा इसको करवाऊंगा। अन्यथा ऐसा है कि अब संक्षिप्त में ही बता दें आपको कि संसार में दो तरीके की शक्तियां हैं, संसार में दो तरीके की शक्तियां हैं, ये जो है शास्त्रों में बताया गया है। एक तो आत्मोद्धारक शक्ति, एक परोद्धारक शक्ति। तो आत्मोद्धारक जो शक्ति है वो सब में होती है, अपना कल्याण जीव मात्र कर सकता है, मनुष्य मात्र तो कर ही सकता है, लेकिन परोद्धारक जो शक्ति है वो केवल ब्राह्मणों में ही है, वो भी पुरुषों में, अर्थात अपना कल्याण तो कर ही लें। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो जैसे करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है अच्छा या बुरा वैसा उसको फल मिलता है। लेकिन ब्राह्मणों को भगवान ने यह शक्ति दी हुई है कि विधि पूर्वक यदि दूसरे के लिए भी यदि कोई शास्त्रीय अनुष्ठान करते हैं तो उसका फल उसे प्राप्त होता है, क्योंकि इनको परोद्धारक शक्ति भी है, दूसरों का कल्याण भी कर सके, इसलिए वो अनुष्ठान ब्राह्मणों से ही करवाना चाहिए, तो उन्हें आप दक्षिणा दे देंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। अन्यथा आप कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से, तो पाठ तो पूरा हो गया लेकिन आपको मिला या न मिला ये कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्या, मिला ही नहीं, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना मिलेगा, अन्यथा जो करेगा सो करेगा। प्रायः गाँवों में या जहाँ भी मैंने देखे हैं कहीं कहीं तो विधि पूर्वक पाठ होते हैं, अन्यथा वो कभी कोई कर गया कभी कोई कर गया, तो ऐसी जगह पर स्त्रियों को, शूद्रों को या कोई अन्य लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं बिठाना चाहिए, नियुक्त ब्राह्मणों को और वर्ण वर्ण करके उनको दक्षिणा दे करके उनसे ही पाठ करवाना चाहिए। ये अखंड पाठ का विशेष नियम है। सामान्य रूप से तो आप रोज अपना पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, इसमें सभी का अधिकार है, ये बात है। ठीक है, हर हर महादेव।